के लिए आसनी बना दूंगी ना तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर से सुर काज सवार। ये सोने का मृग बड़ा प्रिय लग रहा तुम्हें सीता। आज तक कभी सोने का मृग मैंने ना तो देखा है ना सुना है। आज जीवन में पहली बार मैं सोने के मृग को देख रहा हूं। कहीं सोने के भी मृग होते हैं? चलो हम मानते हैं सीता तुम इस मृग की मृग चर्म चाहती हो। राम से कभी जीवन में तुमने कुछ नहीं मांगा, आज जीवन में पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है। ठीक है सीता, हम अवश्य ही इस मृग के पीछे जाएंगे और मृग चर्म लाएंगे। लक्ष्मण मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, सीता खेर करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि बल समय और विवेक के द्वारा तुम्हें सीता की रक्षा करनी है। इतना ध्यान करना लक्ष्मण, मैं इस वृक्ष के पीछे जा रहा हूं। लाओ मेरा धनुष बाण। प्रभु विलोक चला भगभागी धाय राम सरासर सागी। लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आरत गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परमो सबीरा। लक्ष्मण मेरे लाल तुमने कुछ सुना? नहीं माँ। लाल लक्ष्मण मेरे प्रहरेश की वो कड़ुमई आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आए लक्ष्मण रक्षा करो, लाल लक्ष्मण मुझे लगता है कि मेरे प्राणी इस समय संकट में और वो सहायता ही तो तुम्हें पुकार रही है। लक्ष्मण देवल देवल जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार। Sunday
रारे से इस समय जाह बेग संकट अच्छा। हे माँ, आपके कथानुसार आपके द्वारा कहा गया कि भैया पर संकट आया है और उनकी करुणमयी आवाज आपके कानों तक आई। हे मां, भैया के बारे में जितना मैं जानता हूं उससे अत्यधिक आप भी जानती हैं। आपके द्वारा कहा गया भैया पर संकट आया तो हे मां भ्रुकुटी बड़ा सृष्टि लय होई सपने उस संकट पर ही की सोई। जिसके भय के संकेत से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है उसको कभी सपने में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुखाया भी, मैंने मान लिया कि भैया पर संकट आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा और होगा क्या, आनंद कंद के दर्शन कर वह दुख भी सुख का स्वरूप बन जाएगा। आप निश्चिंत रहें, रुदन न करें, भैया पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। मेरी देवर, इस समय वार्तालाप करने का नहीं है, हुआ थे तो फिर कभी भी हो जाएगी मेरे काल। मेरे प्यारे पर संकट है और वो तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं लक्ष्मण। मैं धैर्य को धारण करूं तो कैसे करूं, मेरा तो हृदय घबरा रहा है मेरे लाल। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मण, चले जाओ लक्ष्मण, चले जाओ मेरे लाल। नहीं जाओगे लक्ष्मण, नहीं जाओगे, नहीं माँ, नहीं जाओगे। जब सीता बोला बस का लक्ष्मण, बस का लक्ष्मण, लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाई चारा है। घर से बन जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माँ, सच कहा हर पीरत लक्ष्मण मन डोला। सच कहा प्रपंचियों में रहकर, सच कहा प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, नहीं कोई या नहीं कोई। हे माँ, आप ऐसे वचनों का प्रयोग कर रही हैं। हे माँ, मैंने सदैव भैया की सेवा की है। अयोध्या से वन प्रखंड आने का कारण हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, भले ही आपके द्वारा यदि स्वार्थ कहा जा रहा है तो मेरा स्वार्थ बस इतना हो सकता है कि मैं भैया की सेवा करना चाहता था। सरसम वचन मारो मती कहूं जोड़कर हाथ, रामचंद्र है पिता सम आप धर्म की मात। माता माता क्या कहती हो, मैं तो क्षणों का सेवक हूँ। ये वचन हृदय में चुभते हैं पर जाने से मैं बेबस हूँ। ये वन विशाल है, व्यक्त व्याल भय चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू माँ, कर्तव्य नहीं है मेरा है। भैया का आदेश था हमारे लिए कि माता जानकी की रक्षा करनी है, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। बस निवेदन इतना है, बाक बाण मत मारो, ये लो धनुष बाण, मेरा शीश उतारो, बाक बाण मत मारो, हे माँ हमें क्षमा करें। लाल लक्ष्मण, बार बार माता कहते हो तो सुनो मेरे लाल, गर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ। हे माँ, भले ही चला जाऊंगा लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ आपकी ही चिंता है। मेरे लाल, तुम कुछ मेरी चिंता ना करो, रक्षक है मेरे प्राणेश्वर। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राणेश्वर, जिस जगह गए हैं प्राणेश्वर। हे माँ, यदि आप नहीं मानती हैं तो भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं,
अवश्य ही आपके आदेश का पालन होगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हीं, मेरी इस धर्म नाव के ही हे सूर्य देव मल्लाय आज्ञा पालन मैं करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को तरबरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो तो तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे परम कुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। आज माता जानकी को सब पर सौंप कर जा रहा हूँ, सभी माता जानकी का ध्यान रखना। हे माँ आप कुटिया के अंदर हो जाए। हे माँ मैंने अपने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति द्वारा यहाँ पर एकत्र दीवार खड़ी कर दी है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा उसे इस लक्ष्मण की आन है, वो यही जलकर खुश हो जाएगा। अच्छा माता अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। अरे जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस परन कुटी में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की वह यही बात हो जाएगा। हे माँ मैंने अपने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति द्वारा यहाँ पर एकत्र दीवार खड़ी कर दी है। भैया राम के आने तक किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर न निकले, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।